गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पंकज लवानिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, मैं हूं इस समय मुंबई में। मेरी आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, और जिसने नहीं देखा है वो जाके एक बार मेरी वीडियो चेकआउट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मेरी ऑफिशियल ट्रिप है, बट आज है संडे, तो आज मैंने प्लान बनाया है कि मैं दादा साहब फाल्के चित्र नगरी, जो कि फिल्म सिटी के नाम से भी फेमस है, को एक्सप्लोर करूँ आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी से फटाफट हो जाता हूँ रेडी, वरना हो जाएगा लेट, क्योंकि मैंने टिकट बुक किया हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ आपको कि आपको जब भी दादा साहब फाल्के चित्र नगरी यानी कि फिल्म सिटी जाना है, तो उसके लिए आपको एडवांस में टिकट बुक करानी पड़ती हैं। और एडवांस में टिकट बुक कराने के लिए आप फिल्म सिटी स्टूडियो वेबसाइट से या फिर बुक माई शो से करा सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हो जाते हैं हम रेडी, और आप भी बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में, और ये बहुत एक्साइटेड होने वाला है, एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, हो जाते रेडी, और मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय। तो फ्रेंड्स, मैं हो गया हूँ रेडी निकलने के लिए, और मेरे एक फ्रेंड हैं जो मुंबई से हैं, गणेश, वो भी आ चुके हैं, वो नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, निकलते हैं फटाफट से और मिलते हैं आपसे जाके फिल्म सिटी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे एक फ्रेंड हैं जो मुंबई में रहते हैं, वो आ गए हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, कैब का वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने बताया कि हम लोग ट्रेन से भी जा सकते हैं, पर ट्रेन से जाने के बाद गोरेगांव स्टेशन से हम लोगों को ऑटो टैक्सी या फिर कैब कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो हम लोग सीधे कैब से जा रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, आपकी चॉइस है। हम लोग तो ऊबर बुक कर रहे हैं, और यहाँ की जो ब्लैक टैक्सी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी कैब आ गई, तो हम लोग निकल रहे हैं। बाय, स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स, आ गए हम लोग कैब में, तो निकल लिए हैं होटल से, दादर टू दादा साहब फाल्के चित्र नगरी फिल्म सिटी। दादा साहब फाल्के रोड टू दादा साहब फाल्के चित्र नगरी, एकदम मतलब बिल्कुल कोइंसिडेंस बोलो या कोइंसिडेंस बोलो, राइम बना एकदम ना, कि उस रोड से ही जा रहे हैं, निकल रहे हैं और फिल्म सिटी उसी के डेस्टिनेशन पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब जाके फिल्म सिटी में। पहुंच चुके हैं हम लोग फिल्म सिटी, वेट कर रहे हैं अपनी बस में जाने का। तो चलिए गाइस, बैठते हैं बस में, पहुंचते हैं, और उसके बाद करता हूं मैं आपको अपडेट। चलिए गाइस, और बने रहिए आप मेरे साथ। गाइस, यहां से आप डायरेक्ट टिकट भी बुक करा सकते हैं। तो ये टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर है, यहाँ पर टिकट करा सकते हैं, और 999 रुपये की टिकट है, करा सकते हैं। तो गाइस, इसमें क्या है ना कि टूर का ना टाइमिंग होता है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ टूर स्लॉट की टाइमिंग है। आप देख सकते हैं, 10:30, 12:30 से 2:30, 2:30 से 4:30, 4:30 से 6:30 ये टाइमिंग, तो आप ये स्लॉट बुक करा सकते हैं। ये आपका इंक्लूसिव है, तो आप देख सकते हैं क्या क्या है। बॉलीवुड डांस शो, कॉमेडी शो भी है इसमें, आप ये देख सकते हैं। काउंटर ऐप से यहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं, 999 और यहाँ से आप स्नैक्स भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो आपको स्नैक्स गाड़ी में मिलेगा, पर पता नहीं क्या मिलेगा, तो देखते हैं। चलिए चलते हैं बस में। तो गाइस, करते हैं हम अपनी शूटिंग स्टार्ट। रोल कैमरा एक्शन। नहीं देखिए
चलिए हल्का सा ध्यान देंगे सभी लोग, आवाज आ रही मेरी पीछे भाई, मुबारक हो। एक्सक्यूज मी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल सर जी, हमें शफीक रंगेज आपके गाइड है, गाइड के सर सतम फुल कॉमेडी आर्टिस्ट हैं, हम अपने गले से दुनिया की हर आवाज निकालते हैं, कोई और आ रहा बाबू अकेले को, सीरियसली, या तो मोदी जी को जानते हैं तो हमें जानते, पर दो ही लोग भारत में, तीसरा कोई है ही नहीं, दिखाऊं कैसे? आपके घर पे बच्चों का कार्टून आता टीवी पर, उसमें जो आवाज होती मेरी होती है, बच्चे तो बच्चे बड़े भी पसंद करते हैं, ये नहीं आवाज भैया, आज इन कॉकरोचों को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरा माथा खराब कर दिया, ओए होगी, ओए मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी टीवी तोड़ी है, अब मैं तेरी करूंगा ढाके टिक्के। कौन सा प्रोग्राम है? होगी इन कॉकरोचेस, यस, मतलब आप 100 करोड़ में शामिल है। अच्छा ये किसकी है? अरे हमें मालूम है बाबूजी, बहुत अच्छी बात है, अबे हम क्या मंदिर के घंटा है, सालो कोई भी आता है बजा के चला जाता है, अब सालो हमें मारो, हाँ हाँ हाँ, मालिक पहचाना पांडिया को, राजपाल, यस राजपाल यादव, एवाज जिसे पानी वाली बोट कहते हैं, स्टीमर समुद्र में चल रही है, तेल खत्म होने पर रुकती कैसे, ये नहीं स्टीमर की आवाज, काम करते करते 90 साल हो चुका मुझे, नहीं दूसरे जन्म में टेंशन की बात नहीं, फिल्म वाले आदमी है, जितना अच्छी तनख्वाह मिलती है तो बाहर जन्म ले लेते हैं, सर जी मैं भी फिल्मों में काम करता हूँ, मैंने 70 पिक्चर में काम किया है, नहीं मतलब पिक्चर का नाम 70 अभी तक लगी नहीं है, डायरेक्टर गरीब हो गए, तो सर जी जिस वक्त आपने टिकट निकाली एक बताया होगा आपको बात गेट पर काउंटर पे कि जो टूर हमारी फिल्म सिटी जानकारी टूर है, फेमस लोकेशन दिखाने की टूर है, शूटिंग दिखाना, एक्टर से मिलवाना, टूर का उद्देश्य नहीं होता है, अगर कहीं शूटिंग चलती तो बस में से देखते हैं, 2-4 जगह उतरते जहां पे हमारे फोटोग्राफी होनी है, अगर वहां शूटिंग चलते तो दूर से देख सकते हम लोग, 1.5 घंटा लोकेशन दिखाएंगे, 1.5 घंटे का टूर आपका यहाँ होगा बॉलीवुड पार्क में, सर हेलो, ये काउंटिंग करेंगे सर आपकी, हेड काउंटिंग, नहीं काउंटिंग हो रही जितने बैठे हुए। अच्छा सर जी उस बच्चे की टिकट लगी नहीं ना, बच्चे की जो गोद में लिया आपने, हाँ उसका वही सिस्टम होता है, जैसे आलू प्याज गोभी लो तो धनिया फ्री मिलता है, ये वही धनिया है जी। अच्छा सर जी आजकल के बच्चों में हम लोग जमाने की तरफ फर्क है ना, आजकल के बच्चे 20,000 के मोबाइल से खेलते हैं, एक हम लोग का बचपन था, आए है 10 रुपए की मोबाइल होती थी, कोई भी बटन दबाओ एक ही गाना बजता था, चल छैया 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 छैया, बड़े खुश हो जाते थे, अब वहां से लिस्ट आएगी उसके बाद चलेंगे, उतरा उतरा उतरा, कोई तो सब लोग अपनी आंखों से जूम करके देखिए, बोरा सामने है ना मुझे येलो कलर के कुर्ते में, वो विलेन है और इंस्पेक्टर साहब है, आए हाय पर्दा आ गया वहां पे है ना सर जी, हेलो, कुछ नहीं दिख रहा, यही पे एक फिल्म बनी थी, हम डायलॉग दे रहे पहचाने किसकी आवाज है, कौन सी पिक्चर है ये, अच्छा है, अच्छा है साला मजनू चलता है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है शौहरत है जी, हम वेलकम मैदान करते हैं सर, आपका 150 बिक गया, अच्छा आपका था जी, उधर देखिए आप दादा सौ हरियाणा, और आप ध्यान से देखिए उसके अंदर आपको दया भाभी नजर आएगी आपको, और वहां के जितने आदमी होते हैं सब जेठालाल पोपटलाल दिखते है ना, कुछ कुछ तो बाघा की तरह दिखते हैं, तो खुद का बाघा लेके चल रहे आप, ये सर यहाँ चलता है इमली, इमली का सेट है, यहीं पे इमली लगी हुई है, इमली की पिक्चर, सर जी गुजराती बड़े जबरदस्त दोस्त है, सही बता रहे हैं, हमेशा खुश रहते, कभी झगड़ा भी नहीं करते, अगर डंडा उठाते लिख देते हैं, यस सब स्क्रिप्टेड होता सर, वहाँ उन्हें बैठने के पैसे मिलते हैं, लड़कों को 225-250 रुपए, लड़कियों को 500-700 रुपए, हम भारत की नारी सबसे ज्यादा पेमेंट हमारी है, उन्हें कहा जाता क्राउड कोऑर्डिनेटर लेकर आते उन्हें, एक्सक्यूज मी हेलो, आपकी तमन्ना कभी बैठने की, बिल्कुल है ना आई, आपकी तमन्ना एकदम मार डालते सर, आपने अपने घर पे देखा, आधे घंटे देखा खत्म कर दिया, फ्री पे रिमोट से चैनल चेंज, मगर इधर आपको दोपहर में 2 बजे बैठाएंगे, आपकी बैग आपकी मोबाइल बाहर जमा कर लिया, पूरा दिन शूटिंग चली पूरी रात चली, सुबह 7 बजे छोड़ते हैं, अब पता कौन जाना चाहता है, लोग जाते अपनी मर्जी से आते उनकी मर्जी से, एक्सक्यूज मी, अच्छा जो लोग कहते सर मैं अमेरिका से आया हूँ, कपिल जी दुबई से, मलेशिया से, कनाडा से, क्या वाकई में आते हैं वहां से, जी नहीं सब बॉम्बे के रहते, गोरेगांव नाला सुपारा देख सर, सिर्फ उनका लुक लगता है जैसे ये सर जी और आप और ये दोनों,
और ये वाले सर जी और वो लास्ट में जो बैठे हुए भाई सब चश्मा लगा के ये और ये वाले सर जी इस प्रोग्राम में जाके कहें कपिल जी हम लोग अमेरिका से हैं, दुबई से हैं, मलेशिया से हैं, कनाडा से हैं और हांगकांग से हैं, पब्लिक मान जाएगी, फिर अगले दिन को गोरेगांव में वड़ा पाव खाते देख लेना। चलिए सिस्टर तो गई तो हम लोग जा रहे हैं कुमकुम भाग्य की शूटिंग पर, वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है तो वीडियो तो नहीं बना सकते। चलिए फोटो होगा तो फोटो जरूर मैं शेयर करूंगा। याद आपको बचपन में चुड़ैलों की फिल्में सबने देखी होंगी, चुड़ैले टीवी पर आते तो पहले कुत्ते रोने की आवाज आती, फिर घुंघरू के चलने की आवाज, फिर दरवाजा खुलता है ना ऐसे, याद है मोंजलिका ने घुंघरू पहले भूल भुलैया में, क्या वो आवाज मुंह से आ सकती सर? नहीं ना। ये देखिए एकदम ओरिजिनल आवाज है मेरे पास, ऐसा लगता है घुंघरू पहन के चुड़ैल चल रही है। दरवाजा खुलता 20 साल बाद जंग लगा हुआ है ऐसे। थैंक यू सर, थैंक यू। लोग लड़ते में अच्छा लगता है, लड़ भाई लड़। और ये आपके राइट में वो जगह जहां पर ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण को जलाया था, फिर भी दीपिका जिंदा है। ये देखिए शाहरुख खान ने यही पैसे कहा था, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर सर ने तुमसे मुझे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज से कहते थे हमारा पहले 120 रुपए तुम निकालो, उस दिन मामा पचाते 50 वो थे 20 वो दिन छोड़ के बैठते थे। ये नहीं खानदानी मंदिर, हर तरह के भगवान आते जाते रहते हैं, शूटिंग होती भगवान जी को लेकर आते शूटिंग। अभी हम किधर जा रहे हैं? भगवान के घर। भगवान के घर, भगवान के घर, भगवान के। चलो ठीक है, यहीं पर बागवान की शूटिंग हुई थी। हाँ वही वही लग रहा है। हाँ भैया मसूरी का पूरा सेटअप है। किसका सेट लग रहा है? किसका सेट है? कौन सा सेट है? कौन सा सेट है? थोड़ा सा नजदीक आइए 100 ग्राम। हेलो, ये रूम देखना है, यहाँ लगाइए। हाँ वीडियो बनाना चालू करें आप। छोटा सा एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा और नजदीक आइए सर, यहाँ आ जाइए, 100 ग्राम आगे आइए, बस यहाँ तक आइए। वीडियो बना रहे हैं आप लोग? रेडी हैं? यस। तो जब से आप पैदा हुए आपके चेहरे पर वो वाली मुस्कुराहट नहीं है कि आज आने वाली है, और जब तक आप जिंदा रहेंगे इसके बारे में सोचेंगे हंसी आ जाएगी। अगर आप मैयत में खाली इसके बारे में सोचना और हंसना है, जिंदगी भर की मुस्कुराहट दे रहे दोस्तों। ये अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म बागबान का बंगला है। बागबान फिल्म एक हफ्ते में 7 दिनों तक 21 बार आती है, याद है ना? अमिताभ बच्चन दरवाजा खुलाते, कौन खुलते? खड़े रहिए यहीं से, रूम दिखाता हूँ आपको, गजब करूँ मैं। अमिताभ बच्चन दरवाजा खुलाते, ये मालिक होती है, ये रहा तो भाइयों ये वो मंदिर है जहाँ पर सारी फिल्मों में शूटिंग होती है और सारी शूटिंग यहाँ पर भगवान बदलते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। ये है बॉलीवुड की मंदिर जिसे आपने हर पिक्चर में देखा। इसे देखने के लिए हमारे बीच ये आए बांग्लादेश से, क्या बात है। ये है हमारे दिल्ली से, दिल वालों की दिल्ली, इनको लेकर आए मुंबई से ये भाई साहब, ये बात। और ये मैं हूँ। हेलो गाइस, यहीं पर वेलकम की शूटिंग हुई थी। ये पूरा पवई दिखता है। ऋतिक रोशन का घर यही था। लेडीज बताओ सीरियल में यहाँ पे क्या होता है? एकदम सही, अब लेडीज है। मजाक कर, एकदम सही बताया आपने। हीरोइन यहाँ खड़ी होती, साथ में गंदी सी आंटी होती, बातचीत करी धक्का दे दिया, कोई मरते नहीं, सब केबल से बंधे होते, वापस आ जाते हैं, फिर वही लड़की 4-5 एपिसोड में जिंदा होती है,
और बताती गांव वाले उठा के लेके तो कोमा में चली गई थी। कोई गांव वाले होते नहीं तो पूरे गांव वाले होते सब। सर वो रही हीरानंद आली पवई मिल पाएगा उस तरफ में, हल्की हल्की दिख रही होगी आप लोग को, ठीक है सर। सबसे बड़ी कोर्ट अदालत है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंजाब कोर्ट, उज्जैन कोर्ट, नागपुर कोर्ट, सारे कोर्ट यही है, हरियाणा कोर्ट भी यही है। यही पे सनी देवल ने एक डायलॉग बोला था याद है? तो दोस्तों ये अदालत है, सामने दिख रहे आपको अदालत, यही पे सनी देवल ने ये डायलॉग बोला था, देखिएगा ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोला था, थोड़ी दम लगानी पड़ती है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिला, आज तक इंसाफ नहीं मिला है, मैंने तो सिर्फ तारीख मिली है। बाबू जी मैंने ये पे चेटा को बहुत मारा था, और मैडम जी मैं पाकिस्तान जाके हैंडपंप उखाड़ चुका हूँ, आवाज पसंद आए तो ताली होने से सभी के हाथों से। बाजी आप नागपुर के लग रहा नहीं, आप पंजाब के लग रहे हो। अच्छा इधर से अदालत है इसकी दूसरी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, इधर ब्लॉग में डालेंगे। हाँ थैंक यू सर।